नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज चैनल। मैं हूं संध्या, आपके साथ रुक करती हूं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कसरावद में मां नर्मदा कप क्रिकेट टूर्नामेंट में शामिल हुए कृषि मंत्री कमल पटेल। जी हां, आपको बताते चले, कसरावद नगर में राष्ट्रीय वंदन फाउंडेशन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। एक दिवसीय दौरे पर निकले कृषि मंत्री कमल पटेल भी क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल हुए। एवं मंत्री ने खेल मैदान पर जाकर खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच खेला। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुझे आज अपने बचपन एवं कॉलेज के दिन याद आ गए। क्रिकेट खेल एक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में कोई खेल नहीं है तो जीवन का कोई रस नहीं है। युवाओं को संदेश देते हुए बताया कि पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रतियोगिता में भी भाग लेना चाहिए और अपने जिला एवं शहर का नाम रोशन करना चाहिए। माँ नर्मदा कप के आयोजनकर्ता जितेंद्र आर्य को भी बधाई दी जो ऐसे खेलों में रुचि ले रहे हैं। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी और खबर के साथ। हमारे जितेंद्र पाटीदार जी और उनकी पूरी टीम ये खेल प्रतियोगिता कराती है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा नर्मदा माँ नर्मदा कप टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें कसरावद विधानसभा क्षेत्र की 150 टीमें भाग ले रही है और 2000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे आके आज अपना बचपन, अपने कॉलेज स्कूल के समय की याद आ गई। और देखिए, खेल जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। अगर जीवन में खेल नहीं है तो जीवन में कोई रस नहीं है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, टीम भावना से काम करने के लिए, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, टीम वर्क करने के लिए खेल होते हैं। और खेल से कभी व्यक्ति निराश नहीं होता जो खिलाड़ी होता है। वो असंभव को भी संभव कर देता है, उसके जीवन में कोई नामुमकिन चीज नहीं होती और हमेशा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इसलिए खेल होने चाहिए। कोरोना के कारण 2 साल खेल के मैदान पर बच्चे हमारे नहीं आ पाए, लेकिन उसके बाद पूरे प्रदेश और देश में खेलो इंडिया का भी भारत सरकार, प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री का, प्रधान सांसद का, और मैं खुद एक खिलाड़ी रहा हूँ। इसलिए मैंने हरदा में 2 साल पहले 25 दिसंबर अटल जी की जयंती से विवेकानंद जयंती तक 29 प्रकार के खेल, जिसमें मलखम, खो खो, कबड्डी और स्कूल से लेकर 3-4 कैटेगरी से उसमें कराए, जिसमें 950 पुरस्कार दिए, 5,500 बच्चों ने भाग लिया और एक बहुत आनंद आता है। उससे बच्चे हमारी इस खेल के माध्यम से कि हमारे यहाँ के खिलाड़ी गाँव से निकल कर जिले स्तर पर आए, जिले से प्रदेश में जाए, प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर वर्ल्ड कप, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खरगोन का नाम, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दें। ऐसे खेलों से ही निकलता है। इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ कि तुम अच्छा कार्य किया, पुण्य का कार्य किया और इससे खिलाड़ी निकले, जो दिखाई निकले कि उनको आगे निकालते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे। युवाओं को यही की देखिए, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी करें, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें और स्वस्थ रहें और खूब खेलें, खूब आगे बढ़े और अपने अपने परिवार के साथ समाज और राष्ट्र के लिए जीना सीखें। पहले राष्ट्र हम देश हमें देता है, सब कुछ हम भी तो कुछ देना सीखें। अपने अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीता है, लेकिन जो समाज और राष्ट्र के लिए जिए उसका जीवन सार्थक होता है, श्रेष्ठ होता है। सब समाज और देश के लिए जीकर दुनिया में भारत का नाम रोशन करें, 21वीं भारत की सदी बनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने जीवन को सार्थक करें। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, कमल की तरह खेलते रहे, कमल खिलाते रहे।